नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीयू जेट 2021 से रिलेटेड, और आज की इस वीडियो के अंदर डीयू जेट से रिलेटेड सारे के सारे आपके डाउट, सारे के सारे आपके कन्फ्यूजन्स मैं दूर कर दूंगा। अब देखो, पहले तो हमें कन्फ्यूजन था कि डीयू जेट होगा, सीयू जेट होगा, क्या होगा, लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कन्फर्म कर दिया है। जिस तरह से पहले से एडमिशन्स होते आ रहे हैं, उसी तरह से इस बार भी एडमिशन होने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर सभी चीज़ें आपको बताऊंगा, डीयू जेट की मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, एफिलेटेड कॉलेजेस बताऊंगा, उनके फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, और मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए टॉप 5 कॉलेजेस के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो हर चीज पर आज हम बात करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक आपका आज डीयू जेट से रिलेटेड मिस नहीं होगा। और वैसे भी डीयू जेट की प्रिपरेशन तो हम लोग भी करवाते हैं, तो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, डीयू जेट एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम हो गया, जिनमें 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट के, जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जैसे कि बीबीए है, बीएमएस है, बीबीई है। तो इन तीन कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है डीयू जेट। अगर आप इन तीन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, बीबीए, बीएमएस और बीबीई, उसी वक्त आपको डीयू जेट देना है, इसके अलावा डीयू जेट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप डीयू जेट देना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, 60% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए 12th क्लास के अंदर, बेस्ट ऑफ फोर के अंदर, एंड बेस्ट ऑफ फोर के अंदर कैलकुलेट करना कंपलसरी है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स को। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स है तभी आप डीयू जेट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास आर्ट्स है, आर्ट्स में आपके पास एडिशनल मैथमेटिक्स है, कॉमर्स विद मैथ्स हो या फिर साइंस में आपके पास मैथमेटिक्स है, तो अगर आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, बेस्ट ऑफ फोर किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी मैथमेटिक्स, एंड जो बाकी के दो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए हैं एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डीयू जेट के एग्जाम पैटर्न की। लेकिन एग्जाम पैटर्न की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूंगा कि अगर आप बीबीए, बीएमएस और बीबीई ये तीन कोर्सेज करना चाहते हो तो पूरी तरह से डीयू जेट, मतलब डीयू जेट के स्कोर्स पर डिपेंड नहीं होता है आपका एडमिशन। उसके अंदर 65% की जो वेटेज होती है वो डीयू जेट की होती है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की होती है, एंड 35% की जो वेटेज होती है वो आपके 12th क्लास की परसेंटेज की होती है। दोनों को मिला करके आपका रैंक आता है और तब आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है डीयू जेट का। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 4 सेक्शंस के अंदर आपका पेपर डिवाइडेड होता है और हर सेक्शन आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 400 मार्क्स आपका पूरा पेपर होता है। अब जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका होता है। और जो 4 सेक्शंस होते हैं, सबसे पहले आपका होता है जीके का, इसके बाद है आपका एलआरडीआई का, देन इसके बाद है वर्बल का, देन उसके बाद है क्वांट्स का। क्वांट्स के अंदर आपका हायर मैथ्स भी आता है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है, जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। क्वांट्स के अंदर हायर मैथ्स जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है वो भी आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। अगर मैं आपको एडमिशन, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जैसे आपने एग्जाम पैटर्न तो सुन लिया, 25 क्वेश्चंस होंगे, 4 सेक्शंस होंगे, 100 मार्क्स के आपके चारों सेक्शंस होंगे। लेकिन देखो बहुत बार क्या होता है, अगर आप लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पेपर उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांट्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट रखनी है, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक एग्जाम पैटर्न डीयू देता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, बिल्कुल शुरुआत से लेकर कॉलेज में एडमिशन लेने तक। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए वो आ रहे हैं 2nd of August से, चाहे आप मेरिट बेस्ड कोर्सेज कर रहे हो या फिर आप एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज कर रहे हो, एक ही फॉर्म आपको फिल करना होता है सभी कॉलेजेस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए, सभी एग्जाम, मतलब सभी एडमिशन प्रोसीजर्स के लिए। तो एक फॉर्म आएगा आपका 2nd of August को, आपको फॉर्म फिल करना है। 2nd of August को आप जो फॉर्म फिल करेंगे, देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब फॉर्म क्लोज हो जाएंगे एडमिट कार्ड आपका आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देने जाना होगा एग्जाम सेंटर पर। एग्जाम देने के बाद आपकी परसेंटाइल आ जाएगी, परसेंटाइल आने के कुछ दिनों के बाद आपके रैंक्स आ जाएंगे, दोनों चीज़ों को मिला करके एग्जाम आपके डीयू जेट को प्लस आपके 12th क्लास की परसेंटेज को।
फिर जो आपके रैंक्स आएंगे उन रैंक्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस होंगे जो अपने रैंक्स दे देंगे कि हम इस रैंक के स्टूडेंट्स को लेंगे, हम इतने रैंक्स के स्टूडेंट्स को लेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है, आप डायरेक्टली उस कॉलेज के अंदर फिर एडमिशन ले सकते हो। सिंपली बहुत ही मतलब सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप फॉर्म फिल करना है, सेकंड स्टेप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको एग्जाम देना है, थर्ड स्टेप आपकी परसेंटाइल आ जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद आपके रैंक्स आ जाएंगे, फोर्थ एंड फाइनल स्टेप आपको डायरेक्टली अपने रैंक्स के बेसिस पर एडमिशन ले लेना है किसी भी कॉलेज के अंदर। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के DUJET से रिलेटेड एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो सभी नहीं है। आप हंसराज, हिंदू, सेंट स्टीफन, SRCC, लेडी श्री राम, मिरांडा, इन कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो। इसके अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जो DUJET से एफिलेटेड हैं, जो BBA, BMS और BBE करवाते हैं, आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो DUJET से। अब वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, हम उनकी बात करते हैं कि पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं DUJET के लिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं BBA की, तो BBA इन FIA दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। BBA इन FIA मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जो सिर्फ दो ही कॉलेजेस करवाते हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज है जो एक कोएड कॉलेज है, इसके अलावा शहीद राजगुरु कॉलेज है जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है। सिर्फ दो ही ये कॉलेजेस हैं जो आपको BBA इन FIA ऑफर करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं BMS की, तो देखो BMS के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है आर्यभट्टा कॉलेज है, CVS है, दीनदयाल उपाध्याय है, केशव महाविद्यालय है, रामलाल आनंद कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है, शहीद राजगुरु कॉलेज है, सुखदेव भी आपको BMS करवाता है, इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है जो बहुत अच्छा कॉलेज है, तो यहां से आप कर सकते हैं BMS। इसके बाद अगर मैं बात करूं BBE की, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्यभट्टा कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, CVS है, गार्गी कॉलेज बहुत टॉप कॉलेज है वहाँ से, मतलब वहाँ गर्ल्स कॉलेज है लेकिन ये, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, SGTB खालसा कॉलेज है, तो यहाँ से आप BBE कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, जो ये BBE करवाते हैं इसके अंदर जो SGTB खालसा कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस के अंदर कॉलेज है। तो आई होप आपको पता चल गया है कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं उनके कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ की जो फीस है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, बाकी आपके फीस स्ट्रक्चर से कंपैरिजन में बहुत कम फीस है। अब अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, सिम्बायोसिस की 3-3 लाख रुपये फीस भी है, क्राइस्ट की 1.5 लाख रुपये फीस है, एक साल की बता रहा हूँ मैं, एक साल की। लेकिन अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, देखो कितनी मिनिमम फीस आपको पे करनी है यहाँ पे। अब जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, मान लीजिए शहीद सुखदेव में आप एडमिशन ले रहे हो जो नंबर 1 कॉलेज है पूरे इंडिया का, तो वहां पर आपको 15,000 से लेकर 23,000 पूरे एक साल की फीस है आपकी। अगर मैं बात करूं केशव महाविद्यालय जो बहुत अच्छा कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद, तो 14,636 फीस है आपकी एक साल की। अगर मैं बात करूं आपके दीनदयाल उपाध्याय की जो अगेन टॉप कॉलेज है, उसकी फीस है 23,345 रुपीज। अगर मैं बात करूं CVS की, तो उसकी फीस है 10,000 रुपये एक साल की। अगर मैं बात करूं गार्गी कॉलेज की, तो 35,000 पर ईयर। अगर मैं बात करूं SGTB खालसा कॉलेज की, तो 38,000 पर ईयर। तो इसी तरह से डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, आपको 40,000-41,000 से ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम कॉलेज के अंदर मिलेगा, सभी के अंदर आपको 25,000 फीस एवरेज मिल जाएगी। तो बहुत कम फीस है, बहुत टॉप कॉलेजेस हैं, DUJET का एंट्रेंस आपको देना होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन किस तरह से करें, तो हम लोग आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। और हाँ, मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बताता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको मिनिमम कट ऑफ भी बताऊंगा कॉलेजेस की, कि कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे टॉप 5 के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो DUJET के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। फैकल्टी आपको वही मिलने वाली है जो खुद DUJET के टॉपर रह चुके हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट है, वही आपको पढ़ाने वाले हैं, तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सभी टॉपिक्स के, GK, वर्बल, LRDI, क्वांट्स के अंदर हायर मैथ्स, सभी के आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं 200+ आवर्स के। इसके साथ साथ हम लोग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं 260+, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 273 आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर 10,000+ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल्ड आंसर्स। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपका डिजिटल एनालिसिस होता है, जिसके अंदर मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जाम आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद डिटेल्ड आंसर्स आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपने गलतियां कहां पर की है, कौन से आपके ऐसे सेक्शंस है जहां पर आपने कम टाइम लगाया, कौन से सेक्शंस के अंदर आपने ज्यादा टाइम लगाया, तो इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस आपका आता है।
इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं टाइम टेबल की, आपको फर्स्ट डे पर कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नेक्स्ट डे पर कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो आपको टाइम टेबल मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है, अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है फैकल्टी उसको सोल्व करके आपको देती है। और ये सारा का सारा जो कोर्स है वो किसी व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर ऐसा नहीं चलता है, हमारी ऐप है प्रॉपर स्टडी बस, जिसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हो, विंडोज लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हो, तो हमारी ऐप स्टडी बस पर ही आपका पूरा का पूरा कोर्स चलने वाला है। और कोर्स का जो चार्ज है वो बहुत ही मिनिमम चार्ज है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें मेंशनड है, आप वहां से देख सकते हो, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, डी यू जेट आपका होने वाला है अराउंड 60-70 डेज के बाद, आपके पास सफिशियंट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए 12th क्लास के अंदर, और कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो। तो जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, अब देखिए अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस की बात करूं, अगर आप जनरल हो 12th क्लास में अगर आपके 90 प्लस आए हैं तो आपको आउट ऑफ 400 चाहिए होंगे अराउंड 285 प्लस, ये मतलब एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली ऐसा, एक्सपेक्टेड है। अगर मैं बात करूं अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं 12th क्लास में आपके 90 प्लस आए हैं तो आपको चाहिए होंगे 265 प्लस आउट ऑफ 400, अगर आप OBC हैं तो 235, अगर आप SC हैं 195, अगर आप ST हैं तो 170 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगर आपके 85 से 90 आए हैं 12th क्लास के अंदर, अगर आप जनरल हैं तो 300 प्लस, EWS है तो 280 प्लस, OBC हैं तो 235 प्लस, SC हैं तो 195 प्लस, ST हैं तो 170 प्लस, एंड अगेन ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है कि अगर आप मुझे कहो कि तुमने तो कहा था 170 आने चाहिए, मेरे तो 169 रह गए, तो ऐसा नहीं भाई, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं 80 से 85, और हाँ टॉप 5 कॉलेजेस के लिए है ये, अगर मैं बात करूं 80 से 85% अगर आपके आए हैं 12th क्लास के अंदर, अगर आप जनरल है तो 310, अगर आप EWS है तो 290, अगर आप OBC हैं तो 245, अगर आप SC हैं तो 205, अगर आप ST हैं तो अगेन 170। अगर मैं बात करूं 12th क्लास में अगर आपके आए हैं 65 से 80 तो जनरल है तो 335, अगर आप EWS है तो आपके DJET के अंदर आने चाहिए 305, अगर आप OBC हैं तो 245, अगर आप SC है तो 205, अगर आप ST है तो 170। तो आई होप चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं। अगर आपके 12th क्लास में कम मार्क्स आए हैं तो DUJET में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर आपके 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो अगर आप DUJET में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं भी करोगे तब भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आपको दोनों चीजों का एक प्रॉपर बैलेंस बनाना होता है अच्छे रैंक के लिए। सो आई होप DUJET से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रॉपर DUJET की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोज पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी दिया गया है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।